यहाँ से इससे कोई भी नहीं बैठा हुआ। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता सिंपल है। जो भी हो यहां से इससे कोई भी नहीं बैठा हुआ। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ। कितने लग पाता कोई डाउट मारोगे? कोई जाएंगे इसको बीच करके सीधे उठाओ खा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपके? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे है। यहाँ पे आपको खड़ा रखा है शुरू में, जो समय कोई इशू नहीं है। मारोगे ना सर? बैठे दे दी मीटिंग कर दे करा देगा सीधे लट चार्जिंग कर दी थी उन्होंने। आपकी और दो तीन तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें भगत सिंह के ऊपर खून लगा, इस पर भी लट मारे जी उन्होंने, भगत सिंह की इस पर भी लट मारे जी। मारा वो सौभाग्य गया जी कि मारा खून भगत सिंह की मूर्ति पर चढ़ गया जी। इतना बत्ती क्या सौभाग्य होगा जी महाराज जी। आप आगे इसके पर भी लट लग रहे जी, अगर नहीं यकीन तो ये देखो जी, ये लग रहे जी, इस पर भी लट मार रखे जी। तालिबान वाला जैसा यहाँ पे हाल हो रहा है कि सिर्फ शूट नहीं कर रहे लेकिन तोड़फोड़ पूरी करनी है। प्रशासन को चेतावनी है, यहाँ की सरकार को है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। सरकार के आदेश के बगैर अधिकारी चल ही नहीं सकता। अधिकारी को अपनी भी तो सोच होती है कि उसको एक अगर मोर्चा दे दिया उस मोर्चे को कैसे फॉलो करेगा, वो ये भी करेगा कि सिर जरूर फूटना चाहिए। अधिकारी का भी तो अपना सेंस होता है, वो किसी सरकार के किसी के उसके प्रेशर में अंडर प्रेशर इतना काम करेगा। लाठी चार्ज होता है, वो पिंडी में मार देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं उनको कि ये आदेश के सिर में जरूर लाठियाँ लगनी चाहिए, सिर फूटने चाहिए और पूर्ण रूप से सिर के ऊपर अटैक करके ही उन्हें पूरा काम करा गया है। अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी पहले उनकी, और एक समय में हमारी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी जाति है, पुलिस की जाति है तो भी दंडित किया जाएगा, किसानों की जाति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पे पत्थर फेंके, कुछ लोगों ने कसी वगैरह से भी अटैक करने की कोशिश की। उसके बाद नियमानुसार पुलिस बल ने एक हल्का बल प्रयोग किया और उनको वहां से हटाया। इस विषय में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 किसान भाइयों को चोट आई है और 10 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है। जी एज पर CRPC जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे, एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज़ किया होगा। जैसे मैंने बताया स्टोन पेल्टिंग का इशू था, जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पांस प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। ऑल्दो वो ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग और बाकी मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड करूँगा।